हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पहले तो 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे पम्प्स के ऊपर, मैकेनिकल पम्प्स के ऊपर। उसके बाद 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं गियर बॉक्स के ऊपर। उसके बाद हम 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि बेयरिंग्स के ऊपर होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और एट द एंड लास्ट में हम 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे बार बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं अपने इंटरव्यू के लिए, टेक्निकल इंटरव्यू के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सेलेक्टेड और अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसको यूज़ किया जाता है फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए बाय द कन्वर्जन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। यानी कि इम्पेलर के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को फ्लूइड के हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ऐसा करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। प्राइमिंग क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में? तो प्राइमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का केसिंग है, जहां पे इंपेलर रहता है, उसमें पहले पानी भर दिया जाता है उसको चालू करने से पहले। इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्राइमिंग, और पानी इसलिए भर दिया जाता है ताकि उसके अंदर में कोई भी एयर गैप ना हो। उसके बाद फिर पंप को स्टार्ट किया जाता है, और ऐसा किया जाता है पंप को पहली बार स्टार्ट करने के लिए सिर्फ, और उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है जब पंप रनिंग में आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई प्राइमिंग इज़ रिक्वायर्ड। प्राइमिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, स्टार्टिंग में अगर हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एयर है। अगर पंप में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर एयर है। तो जब उसका इंपेलर रोटेट करना चालू करता है तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है। किसकी वजह से डेवलप होता है? एयर की वजह से। एयर जो होता है बहुत हल्का होता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है वो सफिशियंट नहीं रहता है कि उसके सक्शन साइड में प्रेशर, निगेटिव प्रेशर जनरेट कर पाए उतना कि वो वाटर को ऊपर खींच ले। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्राइमिंग करके सेंट्रीफ्यूगल पंप में पानी भर देते हैं, और पानी भर देते हैं मैन्युअली या फिर किसी और पंप के पाइपलाइन के थ्रू। तो फिर क्या होता है, अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है पंप के अंदर में, वो होता है पानी की वजह से, और पानी जो है एयर से लगभग 1000 गुना ज़्यादा भारी होता है। और ऐसे में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और वो सफिशियंट होता है कि पानी को सक्शन ले सके, सक्शन एंड से, और डिस्चार्ज कर सके। और इसीलिए हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज हेड इन पंप। यानी कि पंप में हेड का क्या मतलब होता है? तो हेड इज द हाइट अप टू विच अ पंप कैन पंप वाटर। यानी कि पंप जिस हाइट तक वाटर को या फिर जो भी फ्लूइड वो पंप कर रहा है उसको जितने हाइट तक आसानी से वो लिफ्ट कर सकता है या पंप कर सकता है, उस हाइट को जो है पंप का हेड कहा जाता है। और इसको मीटर में भी आप मेजर कर सकते हैं, फीट में भी मेजर कर सकते हैं। और हाइट मेजर जो सक्शन लेवल से पंप के सेंटर तक का जो हाइट है उसको अगर मेजर करेंगे तो वो कहलाता है सक्शन हेड। और पंप के सेंटर तक से लेकर के डिस्चार्ज पॉइंट तक की ऊंचाई को अगर हम मेजर करेंगे तो वो कहलाता है डिस्चार्ज हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिस्चार्ज इन पंप। यानी कि पंप में डिस्चार्ज क्या होता है? तो डिस्चार्ज का मतलब ये होता है किसी भी पंप में वॉल्यूम ऑफ वाटर, या फिर आप बोल सकते हैं अमाउंट या फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर, जिसको पंप जो है आसानी से पंप कर सकता है किसी भी यूनिट टाइम इंटरवल में। और इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, और इसका जो यूनिट होता है या तो मीटर क्यूब पर आवर में होता है या फिर लीटर पर मिनट में है। जैसे कि अगर कोई पंप 100 लीटर पानी एक मिनट में पंप कर रहा है तो उसकी डिस्चार्ज
हो जाएगा 100 लीटर पर मिनट। अगर किसी पंप का डिस्चार्ज है 100 मीटर क्यूब पर आवर, इसका मतलब ये है कि वो 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर को वो पंप कर सकता है एक घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। ऐसे सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसमें दो या दो से ज्यादा इंपेलर्स यूज होते हैं उन्हें कहा जाता है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। और इसके दो वेरिएशन होते हैं, एक होता है पंप इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दोनों को अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन पंप इन पैरेलल इज यूज्ड, जब सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम पैरेलल में यूज करेंगे तो आखिर क्या होगा। तो पंप डिस्चार्ज जो है वो आपका बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों पंप का डिस्चार्ज ऐड हो जाएगा, और लेकिन उसका हेड जो रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि हेड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि डिस्चार्ज जो है वो दोनों पंप का ऐड हो जाएगा। यहाँ पर इस इमेज में आप क्लियरली समझ सकते हैं ये पंप इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। आप देख सकते हैं दो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, दोनों के लिए अलग अलग मोटर लगा हुआ है, दोनों का अलग अलग सक्शन पॉइंट है, सक्शन दोनों का अलग अलग है, लेकिन जो डिस्चार्ज है वो दोनों का सेम पाइपलाइन है। डिस्चार्ज वाली पाइपलाइन थोड़ी ज्यादा डायमीटर की रहेगी, और देख सकते हैं आप दोनों का डिस्चार्ज ऐड हो जा रहा है Q1 प्लस Q2, फाइनल हमको जो डिस्चार्ज मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हैविंग इंपेलर इन सीरीज, यानी कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में समझाइए जिसमें सीरीज में यूज करते हैं इंपेलर को, आखिर क्या फायदा होता है, किस लिए यूज करते हैं और कैसा होता है उसका कॉम्बिनेशन। तो ऐसे सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसमें नंबर ऑफ इंपेलर्स एक ही शाफ्ट में फिट रहते हैं, 2, 3, 4, 5 इंपेलर एक सिंगल शाफ्ट में फिट रहते हैं, तब हमको क्या होता है, हाई प्रेशर मिलता है, पंप का जो प्रेशर रहता है वो हाई रहता है, और इसी वजह से उसका हेड जो है बहुत ज्यादा होता है। जब कभी भी हमको हाई हेड की रिक्वायरमेंट होती है हम ऐसे पंप्स को यूज करते हैं। मैं आपको इमेज में दिखाता हूं, ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है मल्टी स्टेज, जिसमें आप देख सकते हैं सीरीज में इंपेलर लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 इंपेलर लगे हुए हैं, तो ये 5 स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। और यहां पर होता यह है कि पहले स्टेज में पहला इंपेलर जितना कंप्रेस करता है वही दूसरे इंपेलर के लिए इनपुट हो जाता है, और फिर वो उतना कंप्रेस कर देता है, तो डेफिनेटली आपका प्रेशर बढ़ जाता है और हेड बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैकेनिकल सील इन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड व्हाई इट इज यूज्ड, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो मैकेनिकल सील है वो क्या होता है और किस लिए इसको यूज किया जाता है। तो मैकेनिकल सील जो है वो एक मैकेनिकल पार्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, जिसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि पंप से लीकेज ना हो, क्योंकि जहां पर पंप का जो रोटेटिंग शाफ्ट होता है वो केसिंग के अंदर में जाता है, तो उनके बीच में क्लीयरेंस रहता है शाफ्ट और केसिंग के बीच में, क्योंकि शाफ्ट जो है वो घूमता है लेकिन केसिंग फिक्स रहता है, तो वहां पर जो क्लीयरेंस है वहां पर से वाटर जो है लीकेज कर सकता है और पंप एयर ले सकता है बाहर से, तो वो ना हो इसलिए मैकेनिकल सील को लगा दिया जाता है ताकि लीकेज ना हो और पंप अच्छे से काम करे। ये होता है आपका मैकेनिकल सील, ये इमेज है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक फिक्स होता है और एक रोटेटिंग होता है शाफ्ट के साथ लगता है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है, मेरे चैनल पे अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का कर लेते हैं 10th क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। 10th क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ लीकेज इन पंप थ्रू इट्स केसिंग नियर मैकेनिकल सील, यानी कि अगर आपके पंप में सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैकेनिकल सील के पास से अगर लीकेज हो रहा है या फिर कहीं और भी लीकेज हो रहा होगा, लीकेज हो रहा है पंप से, तो क्या होगा, आखिर रिजल्ट क्या होगा। तो पंप जो है वो एयर ले लेगा आपका और वो वाटर को पंप करना बंद कर देगा क्योंकि उसके अंदर एयर चला जाएगा, फॉल्स एयर ले लेगा, तो
और अगर इस कंडीशन में कंटिन्यूअसली अगर आपका पंप चलता रहा, इंपेलर घूमता रहा, तो उसके अंदर बहुत ही हाई हीट जनरेट हो जाएगा, और हीट होने की वजह से आपके इंपेलर डैमेज हो सकते हैं, साथ में आपके पंप के जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, और आपका पंप जो है वो डैमेज हो सकता है। वॉट इज अ गेयर बॉक्स एंड वाई इट इज यूज? गेयर बॉक्स क्या होता है और उसे किस लिए यूज किया जाता है? तो गेयर बॉक्स इज अ मैकेनिकल डिवाइस। गेयर बॉक्स एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्पीड को रिड्यूस करने के लिए और साथ में टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए, अगर हम इंडस्ट्रियल गेयर बॉक्स की बात करें तब। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ एप्लीकेशंस में ऐसे गेयर बॉक्स यूज किए जाते हैं जहां पर जो आपका आउटपुट आरपीएम है वो बढ़ जाता है और टॉर्क जो है वो कम हो जाता है, यानी कि दोनों जगह पर हम यूज कर सकते हैं गियर बॉक्स को। और ऑटोमोबाइल्स में इस टाइप के गियर बॉक्स ज़्यादा यूज होते हैं जहां पर स्पीड इंक्रीज होता है, आउटपुट आरपीएम इंक्रीज होता है, लेकिन टॉर्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज गियर बॉक्स ब्रीदर? यानी गियर बॉक्स के ब्रीदर का क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं, क्या होता है गियर बॉक्स का ब्रीदर? तो ब्रीदर एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिसको गियर बॉक्स में यूज़ किया जाता है, और ये गियर बॉक्स के टॉप में उसके केसिंग के ऊपर में फिट होता है। इसका काम होता है वेंटिलेशन प्रोवाइड करना। गियर बॉक्स जब चलता है तो उसके अंदर का जो ल्यूब्रिकेंट है वो कंटिन्यूअस रनिंग कंडीशन में क्या होता है, हीट होता है। हीट होता है तो वहाँ वेपर जनरेट होता है और उसका प्रेशर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ऐसे में जरूरी है कि गियर बॉक्स के अंदर एक वेंटिलेशन हो जहाँ से हॉट गैसेस जो हैं, हॉट वेपर बाहर जा सके और आपका ठंडा जो कूल एयर है वो अंदर आ सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके ऑयल सील डैमेज हो जाएंगे और ल्यूब्रिकेंट वहाँ से लीक कर जाएगा और गियर बॉक्स फेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज फंक्शन ऑफ ऑयल सील इन गियर बॉक्स? यानी कि गियर बॉक्स में ऑयल सील का क्या फंक्शन है? नाम से ही क्लियर है, ऑयल सील यानी कि इसका फंक्शन ये है कि ये गियर बॉक्स की ऑयल सील ऑयल को सील करके रखे, उसे लीकेज ना होने दे, और इसे इनपुट और आउटपुट शाफ्ट में प्रोवाइड किया जाता है शाफ्ट और केसिंग के बीच में, क्योंकि शाफ्ट जो है वो रोटेटिंग होता है लेकिन केसिंग फिक्स होता है, तो वहां पर के गैप को मेंटेन करके रखता है सील, ताकि अंदर का ल्यूब्रिकेंट बाहर ना जा सके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टी स्टेज गियर बॉक्स? मल्टी स्टेज गियर बॉक्स क्या होता है? ऐसे गियर बॉक्स जिसमें नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ गियर उसमें ज़्यादा होते हैं, और जिसके रिजल्ट से ये होता है कि बहुत ज़्यादा गियर रेशियो, हाई गियर रेशियो मिलता है हमको। ऐसे गियर बॉक्स का जो आउटपुट आरपीएम होता है वो बहुत कम होता है क्योंकि इनका गियर रेशियो ज़्यादा होता है, और इसीलिए ऐसे गियर बॉक्स को मल्टी स्टेज गियर बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्पीड रिडक्शन जो है एक स्टेज में ना हो करके एक, दो, दो से ज़्यादा, तीन, चार, पांच, ज़्यादा स्टेज में स्पीड का रिडक्शन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स, सॉरी, विच टाइप ऑफ गियर्स आर यूज्ड इन मल्टी स्टेज गियर बॉक्सेस? मतलब कौन से टाइप के जो गियर हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है मल्टी स्टेज गियर बॉक्स में? तो जो हेलिकल गियर्स हैं, हेलिकल टाइप ऑफ गियर्स हैं, उनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है मल्टी स्टेज गियर बॉक्स में, चाहे वो कंपाउंड गियर बॉक्स हो, चाहे कोई सा भी गियर बॉक्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ प्लेनेटरी गियर बॉक्स? प्लेनेटरी गियर बॉक्स को किस किस और नाम से जाना जाता है? तो प्लेनेटरी गियर बॉक्स को ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन गियर बॉक्स भी कहा जाता है, और इसे ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन्स भी कह सकते हैं उसके अंदर के अरेंजमेंट को। नेक्स्ट है आपका, इन प्लेनेटरी गियर बॉक्स वेयर आउटर रिंग गियर इज फिक्स्ड, व्हाट हैपन? अगर किसी प्लेनेटरी गियर बॉक्स में उसके आउटर रिंग, जो आउटर रिंग होता है गियर बॉक्स का जिसमें इंटरनल टीथ होते हैं, उसको अगर फिक्स कर दिया जाता है तो क्या होगा? तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जो आउटपुट हमको मिलेगा वो बहुत ही लो आरपीएम में मिलेगा, और इस टाइप के गियर बॉक्स को इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, यानी कि लो आरपीएम आउटपुट देगा, गियर रेशियो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन वॉर्म एंड व्हील गियर बॉक्स इनपुट शाफ्ट नॉन ड्राइव साइड वाई फैन इज फिटेड? तो वॉर्म एंड व्हील गियर बॉक्स में इनपुट शाफ्ट में, जो कि नॉन ड्राइव साइड में, मोटर जिधर लगता है उसके अपोजिट साइड में फैन लगा होता है, उसका क्या काम होता है?
तो वो जो है वो कूलिंग पर्पस के लिए लगाया जाता है, फैन कूलिंग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस इफ सन गियर ऑफ अ प्लेनेटरी गियर बॉक्स इज कीप्ड फिक्स्ड व्हाइल प्लेनेट गियर्स एंड आउटर रिंग आर रोटेटिंग। ऐसा प्लेनेटरी गियर बॉक्स में अगर सन गियर को फिक्स कर दिया जाता है जो कि सेंटर में है, और प्लेनेटरी गियर और उसके सन रिंग गियर को अलाउ किया जाता है कि वो घूम सके, तो ऐसे में क्या होता है? तो ऐसे इसका रिजल्ट ये होता है कि हाई आरपीएम आउटपुट मिलता है हमको, और इस टाइप के गियर बॉक्स को ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है जहां ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाता है। विच टूल इज यूज टू मेजर इंटरनल क्लियरेंस ऑफ बियरिंग। बियरिंग की इंटरनल क्लियरेंस को मेजर करने के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। फिलर गेज एक टूल है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय C1, C2, C3, C4, CN इन बियरिंग? बियरिंग्स के पीछे लिखे हुए इन नंबर्स का कोडिंग का क्या मतलब होता है? तो ये होते हैं टाइप ऑफ इंटरनल क्लियरेंस। ये सारे जो हैं इंटरनल क्लियरेंस हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वॉट डू यू मीन बाय C2 इन बियरिंग? बियरिंग में C2 का क्या मतलब होता है? C2 जो है वो क्लियरेंस लेस देन नॉर्मल, यानी नॉर्मल क्लियरेंस से कम क्लियरेंस को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लियरेंस इन टाइट फिट बियरिंग? टाइट फिट बियरिंग में क्लियरेंस क्या होता है, यानी कि उस बियरिंग के आखिरी में लिखा रहेगा C1। C1 क्लियरेंस वाले बियरिंग में सबसे कम क्लियरेंस होता है, और इसीलिए इसे टाइट फिट क्लियरेंस बियरिंग भी कहा जाता है। विच इक्विपमेंट इज यूज टू रिमूव बियरिंग फ्रॉम शाफ्ट? कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है बियरिंग को शाफ्ट से निकालने के लिए? तो बियरिंग पुलर एक इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल करके बियरिंग को सावधानी से और आसानी से निकाला जा सकता है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ केज इन बियरिंग? केज जो लगा रहता है बियरिंग में, उसका क्या फंक्शन है, क्या काम है उसका? इट्स मेन फंक्शन इज टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन रोलिंग एलिमेंट। उसके अंदर में जो रोलिंग इक्विपमेंट्स है, जो बाल या फिर बॉल है या फिर रोलर है, उनके बीच में प्रॉपर गैप मेंटेन करना ताकि वो आराम से घूम सके। व्हाट इज नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ बियरिंग? किसी भी बियरिंग्स की नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना रहता है? तो वो रहता है 40 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इससे ज़्यादा होने पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है आपका, रीजन फॉर बेयरिंग फेलियर। बेयरिंग के फेल होने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? तो चलिए, सबसे पहला रीजन हो सकता है लैक ऑफ ल्यूब्रिकेशन, यानी अगर उसमें ल्यूब्रिकेशन ऑयल ग्रीस वगैरह ग्रीस नहीं है तो वो जल्दी फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ड्यू टू मिस अलाइनमेंट। अगर मिस अलाइनमेंट रहेगा तब भी आपका बेयरिंग जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर लोड नहीं पड़ेगा। तीसरा है एक्सेस लोड। अगर ज्यादा लोड पड़ेगा, बेयरिंग की जितनी लोड कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोड वहां पर बेयरिंग के ऊपर पड़ेगा, तब भी बेयरिंग जो है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज्ड क्लियरेंस। बेयरिंग कंटिन्यू अगर रनिंग कंडीशन में है तो धीरे धीरे उसकी क्लियरेंस बढ़ जाती है, और क्लियरेंस बढ़ने की वजह से भी बेयरिंग फेल हो सकता है। नेक्स्ट है आपका डैमेज ऑफ सील और ब्लॉक। सील और ब्लॉक के डैमेज होने से भी उसके अंदर डस्ट चले जाएंगे, और डस्ट पार्टिकल जाने की वजह से बेयरिंग धीरे धीरे फेल हो जाएगा, जाम हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय के इन बियरिंग? बियरिंग में, बियरिंग के आखिरी में अगर के लिखा हुआ है तो उससे क्या मतलब है, उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब ये होता है कि ये बियरिंग जो है वो बियरिंग विथ टेपर बोर, जितने भी बियरिंग्स हैं जिनका टेपर बोर होता है उसके आगे में बियरिंग नंबर के आखिरी में लिखा रहता है के, कहीं कहीं पे ई के भी लिखा रहता है। नेक्स्ट है आपका, विच एडॉप्टर स्लीव इज यूज इन बियरिंग नंबर 22215EK? कौन सा एडॉप्टर स्लीव यूज होगा इस बियरिंग में? तो दोस्तों, इस बियरिंग में यूज होगा एडॉप्टर स्लीव नंबर H315। तो जो आखिरी का जो डिजिट होता है, लास्ट थ्री डिजिट में अगर 100 हम ऐड कर दें तो हमको एडॉप्टर स्लीव का नंबर मिल जाता है, और ये टेपर बोर बियरिंग्स में एडॉप्टर स्लीव लगते हैं मोस्टली। नेक्स्ट है ब्लॉक नंबर फॉर बियरिंग 22215। 22215E के जो बियरिंग है उसमें कौन सा ब्लॉक लगेगा? तो लास्ट के तीन डिजिट में अगर हम 300 ऐड कर देंगे तो हमको ब्लॉक नंबर निकल जाएगा SN515। जैसे कि यहाँ पर 215 में 300 ऐड कर दिया हमने, तो ये 515 हो गया, तो SN515 ब्लॉक वहाँ पे लगेगा।
वॉट डू यू मीन बाय सफिक्स कोड एम ऑन बियरिंग? बियरिंग नंबर कुछ बियरिंग में ऐसे होता है कि बियरिंग नंबर के आगे में कोड लिखे रहते हैं, कहीं पे एम लिखा रहता है बियरिंग नंबर के आगे में, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ब्रास केज, यानी कि उस बियरिंग में जो केज यूज हुआ है वो ब्रास मेटल का बना हुआ है, बियरिंग विथ ब्रास केज. वॉट इज मीनिंग ऑफ सफिक्स आर एक्स एंड टू आर एस इन बियरिंग? बियरिंग नंबर के आगे में लिखा रहता है आर एस लिखा रहता है, कहीं पे टू आर एस लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों आर एस अगर लिखा हुआ है बियरिंग नंबर के आगे, इसका मतलब ये है कि उस बियरिंग में रबर सील है एक साइड में. आर एस मीन्स रबर सील ऑन वन साइड, टू आर एस मीन्स रबर सील ऑन बोथ साइड. अगर टू आर एस लिखा हुआ है तो बियरिंग के दोनों साइड में रबर सील का रबर सील लगा हुआ है, और आर एस लिखा है तो सिर्फ एक साइड में लगा हुआ है. वॉट डू यू मीन बाय सफिक्स जेड एंड डबल जेड ऑब्लिक डबल जेड इन बियरिंग? बहुत सारे बियरिंग्स ऐसे होते हैं जिसमें बियरिंग नंबर के आगे में लिखा रहता है जेड लिखा रहेगा, या फिर डबल जेड ऑब्लिक डबल जेड लिखा रहेगा. इसका आखिर क्या मतलब होता है? तो अगर आपके बियरिंग में अगर जेड लिखा हुआ है सिंगल, तो इसका मतलब ये है कि वो बियरिंग है उसमें मेटल सील है एक साइड पे, बियरिंग के एक साइड पे मेटल सील लगा हुआ है. जबकि डबल जेड ऑब्लिक डबल जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बियरिंग के दोनों साइड में मेटल सील लगा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बियरिंग हाउसिंग इज मेड अप ऑफ विच मेटल? बियरिंग हाउसिंग जो है जिसमें बियरिंग रहता है वो कौन से मेटल का बना रहता है? तो मोस्टली जो इंडस्ट्रीज में बियरिंग यूज होते हैं उनके बियरिंग के हाउसिंग जो है वो कास्ट आयरन का बना होता है, तो कास्ट आयरन इसका सही आंसर है. बियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बियरिंग के बारे में अच्छे से आपको आना चाहिए. एनजे बियरिंग मीन्स, कुछ बियरिंग्स ऐसे होते हैं जिनके जिनमें एनजे लिखा रहता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? अगर बियरिंग में एनजे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कॉलर ऑन इनर रेस एट वन एंड. उस बियरिंग के इनर रेस में कॉलर रहेगी एक एंड पर, ठीक है फ्रेंड्स? तो ऐसे बियरिंग्स को एनजे बियरिंग्स कहा जाता है. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लास्ट टू डिजिट ऑफ बियरिंग इंडिकेट? बियरिंग के आखिरी के दो अक्षर क्या इंडिकेट करते हैं? तो बियरिंग के आखिरी के जो दो अक्षर हैं उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बियरिंग का आईडी इंडिकेट करते हैं. जैसे कि अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल बताने वाला हूं. एग्जाम्पल हम मान लेते हैं किसी भी एक बियरिंग को मान लेते हैं, चलिए 22211 ये बियरिंग है, तो 11 आखिरी का दो डिजिट है, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 55. तो उस बियरिंग का जो आईडी है वो 55 mm है, ठीक है फ्रेंड्स? ऐसे ही जितने भी बियरिंग्स होते हैं सभी के लास्ट टू डिजिट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी आईडी निकल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच बियरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड हाई स्पीड बियरिंग? कौन सी बियरिंग को हाई स्पीड बियरिंग्स कहा जाता है? और इस बियरिंग्स को मोस्टली मोटर्स में यूज किया जाता है, हाई आरपीएम मोटर्स में भी यूज किया जाता है, या फिर हाई आरपीएम इक्विपमेंट में यूज किया जाता है. तो बॉल बियरिंग्स को जो है आपका हाई आरपीएम बियरिंग कहा जाता है, क्योंकि हाई स्पीड जहां पे रहता है वहां पे बॉल बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है. तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ गियर? गियर के टाइप्स आपको बताने हैं, कितने टाइप्स के गियर हैं. तो ये सारे गियर के टाइप्स हैं, स्पर गियर, हेलिकॉन गियर, बेवल गियर, वॉर्म एंड व्हील गियर, रैक एंड पिनियन गियर, इंटरनल गियर और हेलिकल गियर. जिसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाले गियर्स जो हैं वो हेलिकल गियर्स हैं, और है स्पर गियर इसके बाद. ये इंटरव्यूज में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैकेनिकल इंजीनियर से ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गियर से ही रिलेटेड है. व्हाट डू यू मीन बाय गियर मॉड्यूल? गियर मॉड्यूल से आप क्या समझते हैं, यानी कि मॉड्यूल कहने से आप क्या समझेंगे? गियर मॉड्यूल यूनिट ऑफ साइज इंडिकेट करता है कि आपका गियर जो है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है. और ये जो मॉड्यूल का फॉर्मूला होता है वो होता है रेफरेंस डायमीटर, इसका जो डायमीटर है, अपॉन नंबर ऑफ टीथ, उसमें जितने नंबर ऑफ टीथ हैं, यानी कि मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाय टी. और जो मॉड्यूल है वो ये बताता है कि आपका गियर कितना बड़ा है कितना छोटा है, यानी कि हम सीधे कह सकते हैं साइज को इंडिकेट करता है. और दो गियर कभी भी मैश में तभी करेक्टली अच्छे से मैश होंगे जब दोनों गियर का जो मॉड्यूल है वो सेम रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय गियर रेशियो?
ये भी गियर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। गियर रेशियो क्या होता है, ये भी बार बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में। तो गियर रेशियो है ये रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ इन द गियर टू द नंबर ऑफ टीथ इन द पिनियन। जितने नंबर ऑफ टीथ गियर में है यानी कि बड़े गियर में है उसका रेशियो जितने नंबर ऑफ टीथ छोटे गियर में है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े गियर में 75 जो है आपके नंबर ऑफ टीथ हैं और छोटे गियर में आपके जो 25 नंबर ऑफ टीथ हैं। तो यहाँ पर गियर रेशियो हो गया 3:1 यहाँ पर गियर रेशियो हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। Why bearings are used? Bearing का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मोस्टली मशीन्स में, गियर बॉक्स में, हर एक मशीन्स में गियर बॉक्स का यूज होता है, सॉरी बेयरिंग का यूज होता है। तो बेयरिंग का यूज क्यों होता है? तो बेयरिंग का यूज इसलिए किया जाता है कि वो एक रोटेशनल और लीनियर मूवमेंट प्रोवाइड कराता है जिस, और सबसे मेन इसका काम यह है कि फ्रिक्शन को जो है ये रिड्यूस कर देता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट। जैसे शाफ्ट के ऊपर लग रहा है ना, शाफ्ट रोटेट हो रहा है ऊपर तरफ से बाहर तरफ से फिक्स है, तो ये जो है उसके फ्रिक्शन को कम कर देता है और स्पीड का जो एफिशिएंसी उसको बढ़ा देता है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड हाउ डज इट वर्क? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में आपने इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है, इसके बारे में हमने पढ़ाई किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में, डस्ट कलेक्टर के बारे में, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये एक डस्ट फिल्टर एक डिवाइस है जिससे फाइन्स डस्ट पार्टिकल को, स्मोक को रिमूव किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पर कुछ प्लेट्स लगी रहती है, इसमें इस प्लेट्स को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है और डस्ट जो है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर निगेटिव चार्ज डस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी हैमरिंग करके इसमें से प्लेट में से जो डस्ट है उसको अलग नीचे हॉपर में गिरा दिया जाता है और फिर उसको अलग कलेक्ट कर लिया जाता है। सिंपल हम कहें तो एक डस्ट कलेक्टर इक्विपमेंट है ESP। क्लासिफिकेशन ऑफ पंप, आपको पंप को क्लासिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है कि पंप मोस्टली कितने टाइप्स के होते हैं। तो पंप्स जो हैं मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है एक और दूसरा होता है रोटोडायनेमिक पंप। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप जिसके अंदर तीन आते हैं, पिस्टन पंप, प्लंजर पंप, बकेट पंप, और रोटरी पंप के अंदर आते हैं गियर पंप, वेन पंप, स्क्रू पंप। वैसी रोटोडायनेमिक्स पंप के अंदर आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज और एक्सियल फ्लो पंप और मिक्स्ड फ्लो पंप आता है। इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन या क्लासीफाई पंप्स, तो आपको ये बताना है पंप्स के टाइप्स के बारे में, इस तरह से आपको बताना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पंप से रिलेटेड है। व्हाट डू यू मीन बाय पंप हेड? पंप हेड से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स, कभी भी आप पंप को देखेंगे तो उसमें पंप हेड दिया रहता है उसके नेम प्लेट में। तो पंप हेड जो है वो डिस्चार्ज हेड वाटर पंप का जो पावर है उसका मेजर होता है कि वो कितने दूर तक, कितनी ऊंचाई तक, दूर तक तो नहीं कहेंगे, कितनी ऊंचाई तक, कितने हाइट तक वो वाटर को डिस्प्लेस कर सकता है, उसे कहा जाता है पंप हेड। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर सक्शन हेड और डिस्चार्ज हेड दोनों यहाँ पर दिया हुआ है और ये पंप जो है वो यहाँ पर एक डायग्राम में आपको समझ सकते हैं कि पंप हेड का मतलब ये हुआ कि कितने हाइट तक वो है पंप कर सकता है वाटर या फिर फ्लूइड को। पंप का हेड जितना ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो पंप हेड और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। जिस पंप का ज्यादा हेड होगा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय एनीलिंग? ये क्वेश्चन आपका मटेरियल साइंस से है। एनीलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हीटिंग, मटेरियल को हीट किया जाता है, एक्चुअली मेटल को हीट किया जाता है उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर, और उसके बाद उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इस प्रोसेस को करने से हार्डनेस और स्ट्रेंथ है जो मेटल का वो बढ़ जाता है, जिसके रिजल्ट से क्या होता है कि जो डिसलोकेशंस होते हैं मटेरियल के, मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में, वो भी हट जाते हैं और आपके मेटल की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, मेटल का स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ जाता है। तो एनीलिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो भी इसी से होगा, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के ऊपर होगा। एनीलिंग आप जान गए हैं। What do you understand by heat treatment? इससे पहले हमने एक heat treatment process देखा था। Heat treatment process actual में होता क्या है? ये एक operation होता है जिसमें heating किया जाता है metal को और फिर cooling किया जाता है अलग अलग तरीके से।
और जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल का प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाता है। उसी मेटल को अलग टेम्परेचर तक हीट करके कूल कर देने से, एटमॉस्फेयर पर कूल करने से उसमें अलग प्रॉपर्टी आ जाती है, उसे ऑयल में या वाटर में क्विंच कर देने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, अलग हो जाती है। फर्नेस के अंदर में ही उसे कूल किया जाता है तब अलग हो जाती है। तो ये सारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं। डिफाइन केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग क्या होता है? तो केस हार्डनिंग एक मेथड है जिसमें कि मेटल के आउटर सरफेस को हार्डर बनाया जाता है स्टील के, स्टील पार्ट्स के, और ये किया जाता है लो कार्बन स्टील को यूज करने के लिए। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो केस हार्डनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल के अपर सरफेस, जो उसका बाहरी सरफेस होता है, उसको हार्ड कर दिया जाता है और इसे ही केस हार्डनिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका मटेरियल साइंस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन पिटिंग। पिटिंग क्या होता है? तो पिटिंग देखिए बहुत ही सिंपल चीज है। जब किसी भी मेटल में कोरोजन हो जाता है और वो कोरोजन की वजह से वहां पर से जो मेटल का पार्ट है वो निकल जाता है और वहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है, जहां पर से मेटल कोरोड होकर के निकल गया है वहां पर होल हो जाता है और उन्हीं होल्स को पिटिंग्स कहा जाता है। और मेटल जिसमें कोरोजन होता है उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होल्स मिलते हैं और इसे ही पिटिंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग जो है वो एक टाइप का कपलिंग है जिसको यूज किया जाता है दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए जिनका जो एक्सिस है वो एक दूसरे से इंक्लाइंड रहता है। और इसमें पेयर रहता है हिंज का, दो पेयर रहता है हिंज का जो कि आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक क्रॉस के साथ। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल कपलिंग। ये एक टाइप ऑफ कपलिंग है। और अब ये वीडियो जो है यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन आपको इंटरव्यू से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस अगर देखने हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। हम इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे।